अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैरमन पॉडकास्ट। आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है तो उस चीज़ के ऊपर हमने आज टॉपिक के ऊपर करना है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द कैरमन फिल्म्स पीके पॉडकास्ट फीचर्ड बाय फयाज द ग्रेट। आज पकड़ लिया हमने, स्पेशली इंग्लैंड से हमने इनको इंपोर्ट करके बुलाया, दौड़ गए थे यहाँ से। वो बाकलेस का ठप्पा भी लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े ब्लू ब्लू हुए हैं आज। तो कहाँ? यूके का यू ये देखा, जेन्युइन वीज़ा इनके पास मौजूद है, यूके का बॉय है भाई, ठीक है ना। अब ये देसी नहीं था। अच्छा तो फयाज भाई यार, आप कह रहे थे आपने एक नया मौजू सुखन जो है चूज़ किया है, वो बताए ना ज़रा क्या है मौजू। ये है सरमत भाई के शादी होती है इंसान की, और उसके बाद अब बंदा पहली सोच यही रखता है कि यार मेरा बच्चा अच्छा हो, नेक हो, बदतमीज़ ना हो। तो बीवी कहाँ गई बीच में से शादी पर? डायरेक्ट ही बच्चा बीवी होगी तो बच्चा होगा ना यार। उसमें यह था कि आप सुबह से लेके शाम तक ऑफिस होते हैं, ठीक है, आपको तो नहीं पता कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा होने तो नहीं याद, पहले डायरेक्ट ही बच्चे पे आ गए। बच्चा चले पैदा क्यों करता बंदा? बच्चा पैदा क्यों करता है? हाँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मतलब आप बिजी रहे। आपकी शादी तो यदि दो बंदे किन्नी को देर आपस में करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। बच्चा होता है आपकी एक नई लाइफ के लिए, कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी, आप कितना को कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जिम्मेदारी तो दफ्तर में भी बथेरी होती है ना, बिजी तो वहाँ भी रह सकते हैं। दफ्तर तो एक ऑफिशियली काम है, आप घर चले जाएं, आपको बच्चा नजर आएगा, आपका दिल खुश होगा, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाती है फौरन। अच्छा ठीक है, हो गया, बच्चे पैदा हो गए, अब क्या करेगा? उसमें समझ में ये होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपका 5 साल का बच्चा हो गया या 4 साल का है, आप उसको स्कूल भेजने की सोचेंगे। अगर थोड़ा सा तमीज़ वाला है तो आप कहेंगे यार इसको मैं ज़रा अच्छे से स्कूल में भेजूँ, अगर बदतमीज़ है तो आप कहेंगे इससे ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजूँ कि थोड़ा ज़रा तमीज़ में आए। तो मैं उसको तमीज़ क्यों ना सिखाऊँ, मैं स्कूल पर स्कूल भेजी जा रहा हूँ उसको। उसमें यह होता है कि आप सबसे पहले ये मोहल्ले वालों के पीछे पड़ जाते हैं कि यार यार ये उसके बेटे के साथ बैठता है ना, वो गालियाँ निकालता है, वो बदतमीज़ी करता है, ये मुझे लगता है उसके साथ बैठते उसको मना करो। यार आप ये देखो कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो। आप सुबह से लेकर शाम तक रात एक एक दो दो बजे तक ऑफिस बैठे हुए, आप बच्चे को पूछोगे नहीं कि बेटा आपने आज क्या किया है? पूछना चाहिए कि आप बेटा क्या कर रहे हो, क्या किया है। माँ ने क्या करना है, माँ तो आपको भी संभालेगी, बच्चे को भी संभालेगी, किचन भी संभालेगी, माँ के किसी चीज़ को संभालेगी। खैर आपको चाहिए कि यार अपने बच्चों के ऊपर एक फोकस रखना कि बेटा आपने आप क्या किया है। आपने अगर गलती की है तो बाप को चाहिए डांटना, बजाय आप ये कहने के यार बैठा है और ना मोहल्लेदारा ना बैठा सी। ये आप मोहल्लेदारों में ना आप कहें, आप ये सोचें कि यार मेरा बच्चा ऐसा है तो मोहल्लेदार वाला का बच्चा शायद इससे ज़्यादा अच्छा हो, अच्छा सोचें। अगर आप सोचते हैं ना कि यार मेरा बेटा बुरा है तो मोहल्ले वाले का उतना ज़्यादा बुरा होगा, शायद आपके बेटे में ही नुक्स हो। तो बाप ऐसा क्या करे, टाइम तो गुजारे बच्चे के साथ, क्या करे? आप ये देखिए सुबह घर से निकलते हैं, बेटे को स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ के उसके बाद ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रात को जाते हैं 1-2 बजे जब बच्चे सोए हुए होते हैं। किधर जाते हैं? घर, ऑफिस से जब आप घर जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपको ऐसे होता है कि यार बच्चे सोए हुए होते हैं, आप सुकून से आके फिर सो जाते हैं, आपको अपना ऑफिशियली लाइफ ज्यादा जरूरी होगी, घर की लाइफ आप भूल गए हुए। तो कमाना भी तो है ना बेचारे यार, आप इतना ना करें कि यार आपका बच्चा ही बदतमीज हो जाए, क्या उस कमाई का फायदा कि जब आपका बच्चा इस लायक ना बने। नहीं तो बाप कमा रहा है तो इससे बच्चा बदतमीज कैसे हो जाएगा? बदतमीज ये है कि आप बच्चे को टाइम नहीं देंगे, उसके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे कि बेटा आप ये चीज गलत कर रहे हैं और ये चीज सही है, अच्छे बुरे का आप बताएंगे नहीं तो बच्चे को क्या पता चलेगा। यानी टाइम दें, पास बैठे, खेलें, बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनकी लाइफ है यार, उनकी लाइफ ये थोड़ी कि यार स्कूल से आए और आ गए अकेडमी चले गए, ट्यूशन पढ़ने चले गए, इधर चले गए उधर, वो बच्चा एक जीनी डिस्पॉइंटेड हो जाता है। तो अगर टाइम देने के बावजूद बच्चा बदतमीज है, सूटे मारता है, याशियां करता है, वो फिर पेरेंट्स की अपनी गलती है, आपने उसको इतनी ज्यादा छूट क्यों दी हुई है। नहीं तो टाइम भी तो दिया ना, टाइम भी तो दिया ना। हमारे पहले टाइम में ये होता था कि यार आज तो जदीद दौर आ गया है टेक्नोलॉजी वाला,
पहले टाइम में ये होता था कि बच्चा उठता था सुबह सुबह, नहीं तो आज भी बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं जैसे पहले होते थे, टेक्नोलॉजी से कुछ। लेकिन जो अब तरबियत पहले वाली है ना वो नहीं। अच्छा तरबियत, हाँ ठीक, तरबियत पहले वाली जो थी वो बहुत और चीज थी। आप वही है यार, वही वैल्यूज हैं, वही लेसन। बच्चे को एक गाली निकाल के देख लो, वो आपको फौरन गाली निकाल देगा। मैं क्यों दूंगा किसी बच्चे को गाली? एक बात, अगर बच्चा कोई हरकत करता है, यही बात, मैंने वापस गाली खानी है, मैं क्यों बच्चे को गाली दूंगा? आप बच्चे को डांटते हैं, ओए उल्लू का पट्ठे ये क्या किया तुमने, आगे से वो आपको कह देगा आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैं उस उल्लू का पट्ठा कहूंगा क्यों? बच्चे को डांटना भी होता है आप, ये थोड़ी मैं डांट गाली के बगैर भी डांट सकता हूँ यार। किस तरह डांट सकते हैं आप बताइए, तुमने ऐसा क्यों किया, ये गलत बात तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये नुकसान दे तुम्हारे लिए चीज। क्या नुकसान दे? गलत काम करना, बदतमीजी गलत है ना, बड़ा होके बदतमीजी करेगा ठीक है ना, तो मैं क्या क्या कहूँ उसको? अच्छा मैं डांटूँ तो मैं डांट के क्या कहना चाहिए उसको? उसको डांटना चाहिए आपको, उसको पूछना चाहिए क्या कहना चाहिए, डांटना तो चाहिए। अच्छा क्या पूछूँ उससे कि तुमने गाली कहाँ से सीखी? वो तो आपने बता दिया जी मोहल्ले वालों का कसूर है, चलो मैंने मोहल्ला भी छोड़ दिया, अभी भी गालियाँ दे रहा है, अब क्या करूँ मैं? ये भी तो हो सकता था घर में ही कोई गालियाँ देता है। बिल्कुल, अगर दोनों मियां बीवी लड़ रहे हो, हाँ, एक दूसरे को गालियां देते, दूसरे को गालियां दे रहे तो इसमें मोहल्ले वालों का क्या कसूर? मोहल्ले वालों का कोई कसूर नहीं है, यही तो मैं चीज कह रही हूँ, मोहल्ले वालों का कोई कसूर नहीं, आपकी अपनी जो है वो सबसे बड़ी गलती है। पहले अपना आप ठीक करो ना, बच्चे बाद में पैदा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का शौक चढ़ा हुआ है। बच्चे तो यार अल्लाह की कुदरत है, बच्चे को कौन रोक सकता है यार? एक तो ये पाकिस्तानी कौन जो है ना, कर करा के सब कुछ या अल्लाह पे फेंक देना है ठीक है, या किसी और पे फेंक देना, अपना आप नहीं सीधा करना है। नहीं बच्चों, मैं तो एक मैसेज है सबके लिए, अपने बच्चों को मैसेज तो वैसे टाइम दें बच्चों को, और ये नहीं है कि सुबह से लेके शाम तक रात तक आप ऑफिस रहें और आपके बच्चे जो हैं आपके इंतज़ार में सो जाएं। नहीं तो टाइम दे, वही बात आ गई ना, टाइम दे रहा है बैठा हुआ है, लेकिन अगर जिस टाइम में वो बच्चों के पास है गालियाँ ही दे रहा है, कभी बीवी को कभी किसको, वो फलाना वो दी बब जो भी पापा ठीक है ना, तो टाइम का फायदा, गालियां तो भी सीख रहा बच्चा, पहले अपना आप ठीक करें ना, फिर उसमें आप ये है कि आप अपना आप ठीक कर लेते हैं ना, उसके बाद आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि जरूरी कि आप गालियों पे वो करते रहेंगे, आप खुद को ठीक करेंगे, अपने बच्चे को बिठाएंगे पास, तरबियत देंगे, फिर जाके वो सेटिस्फाई होगा। गालियां देनी भी है तो अच्छी अच्छी देना, गंदी गंदी ना दें। वो आप अगर टाइम देंगे तो उसको डर रहेगा कि यार मेरे अब्बा बैठे, मैं अच्छी गाली दूं गंदी ना दूं। अगर वो अपनी अम्मा के सामने भी निकालता है तो उसको पता होगा कि यार अगर मैं ये वाली देनी है, ये वाली गाली देनी है, वो वाली नहीं। गाली कोई भी नहीं देनी चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है हमारे पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो कल्चर है आजकल गाली का ही फैल गया। वाह वाह वाह, कोई भी सबसे पहला लफ्ज है वो गाली से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाली जबान तो हम तो कौन कौन सी वाली सिखाते हैं? रहने दें, ठीक है ठीक, मैंने मजाक किया, सीरियस ही होगा। सही बात है, आप किसी से भी पूछ ले यार, आप लो स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लें उसको वैसे ही आ जाएगी, किसी हाई स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछ लें उसको तो वैसे ही तो पता जो हो। जो उसको सुनाई देगा वो उनको सुनाए ना, मुझे क्यों देख रहे, ठीक है तो जो वो सुनाई देगा बच्चा तो वही सीखेगा ना। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा वो सीखे, अगर बच्चे ने सुन लिया ना तो आप उसका ऑपोजिट उसको कह सकते हैं कि बेटा ये गलत बात कर रहा है, आप इस पर गौर ना करें। यानी आप कह रहे हैं उसके सामने गाली दो, उसको बताओ कि ये गाली नहीं देनी, वो गाली तो सुन ली है उसने, सुन ली है उसने, सुनी है, अभी निकाली तो नहीं अपने मुँह से, तो जब सुन लिया तो निकलेगी कहीं कभी ना कभी। आप उसको ऐसा मौका देंगे तो वो आपके पास निकालेगा गाली या वैसे ही निकलेगी? मुझे मौका तो आपने दे दिया, जब गाली देगा उसे ये भी बता दिया कि ये गाली होती है ठीक है ना, ये जो भी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बच्चा अगर सुन ले तो वो आपको ऑपोजिट गाली ही निकालेगा, वो उस चीज़ पर आपसे कमेंट भी कर सकता है कि पापा इसने गाली निकाली है, तो जुगत मार देगा फिर बात तो वही आगे, तो आगे से बाप कह सकता है कि बेटा ये इसने गलत बात की है। कोई बात नहीं, अगर बड़ा बंदा है तो बाप कहेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं कर कोई मत, आप इस चीज़ पे ना गौर करें। अच्छा बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा तो छोटी गाली, अगर कोई छोटे बच्चे ने गाली दी है तो आप उसको कह सकते हैं कि बेटा इसको ना थोड़ा सा ज़रा एडिट कर लो, एडिट नहीं मतलब इसको थोड़ा सा समझाने वाला कोई नहीं है, इसको समझाते हैं इसे कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसी गाली ना निकालें। समझाने वाला क्यों कोई नहीं है? अपना बच्चा किसी की गाली कोई गाली दे रहा है, उसका अपना बच्चा, उसको समझाने वाला कोई क्यों नहीं है, खुद समझा। सर मेरा सीन पता है कि आप सुबह को ऑफिस चले जाते हैं, रात को आते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपका बच्चा दरवाज़ा खोलता है, बाहर गली में मोहल्ले में जो भी हमसाए होते हैं उनके बच्चे होते हैं, आखिर उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आपका बच्चा घर में होगा वो तड़ा तो नहीं रहेगा?
तो आप भी उसी महल्ले में, उसी महल्ले में पैदा होकर बाहर जाके बच्चों में गालियां गुलियां सीखेगा, तो उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप खुद रोकेंगे कि बेटा आप बेशक बाहर जाओ, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको खुद रोकेंगे, खुद रोकेंगे कि आप बाहर जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें आपका इतना प्रेशर होना चाहिए कि बच्चा बाहर खेलता जो मर्जी करता है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक कंप्लेन और दूसरी बदतमीजी ये नहीं होनी चाहिए, इखलाक सिखाएं, इखलाक, अच्छा इखलाक होना चाहिए, वो खुद भी आने चाहिए, गाली भी निकाल रहा है ना, तो आप उसको प्यार से जवाब दो, प्यार से गाली दो, नहीं गाली नहीं, उसको प्यार से जवाब दो, ताकि अगले बंदे को भी पता चले कि यार इसने मुझे इतने प्यार से जवाब दिया है और मैं इसी के ऊपर चल के ना इसके साथ में तो मैं भी कोई अच्छा सीखूं। क्या बात है, तो ये नहीं है कि अगर उसने बदतमीजी की, अगर आप भी बदतमीजी कर देंगे उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, वो कहेगा यार मैं इससे ज्यादा बड़ा बदतमीज हूँ, वो कहेगा इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसको क्या समझता, यानी माँ बाप का सवाल नहीं होना चाहिए, अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी है ना, तो माँ बाप अगर बेटा आपका बाहर खेल रहा है ना, तो किसी ने गाली भी निकाल दिया ना, तो अच्छे लफ्जों में उसका जवाब देगा, बदतमीजी से नहीं देगा, और उसको सामने वाला सुनने वाला ये कहेगा कि यार वाकई ही इसके माँ बाप ने इसको तरबियत दी है, यानी माँ बाप की तरबियत तभी अच्छी हो सकती है कि पहले वो खुद अपनी तरबियत पे काम करें, या उनके माँ बाप ने तरबियत पे काम किया, या नहीं भी किया तो यार अपने बच्चे के लिए कर लें, क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत ही हो जाएगी, तो इसी बात पे हम हमसाए के बच्चों के साथ जो है ना, वो ना आप करें कि यार हमसाए के बच्चे बदतमीज हैं या वो बदतमीज हैं, वो हमसाया जाने हमें क्या, पहले अपने बच्चे तो ठीक करें ना, पहले अपने आप तो ठीक करें, अपना बच्चा सही होगा तो हमसाए का ऑटोमेटिकली कहेगा कि मामा मैंने भी ये जो चीजें ना ये छोड़ देनी है, या इस चीजों से हट के रहना, मैंने बदतमीजी नहीं करनी, तो ना लड़ना है ना कुछ है, और सबसे बड़ी बात ये अपने बच्चों को बर्दाश्त करना सिखाएं कि अगर कोई बड़ा कुछ कह भी देता तो उसको मोटिवेट ना करें, गुस्सा दिखाए ना कि यार मुझे गुस्सा चढ़ रहा है या मुझे ये कर रहा है या वो कर रहा है, वो चीज ना करें, सबर करें, तरीके से सुनने की जो सलाहियत है, उसको बढ़ाए, अपने से बड़े से, हाँ, तो हम भी अभी सुनने की मेरी सलाहियत भी जो ना थोड़ी सी कम हो रही है, तो मैं जरा उसको एनर्जी अपनी फिर से चार्ज करके अगले एपिसोड में आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Yeah.